हाँ जी, क्या हाल है आप सबके? मुझे भूल भूल तो नहीं गए ना कहीं, क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं बहुत टाइम के साथ कैमरा के नज़दीक बैठ रहा हूँ, तो वो एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है। मैंने कहीं वीडियोस में देखा था कि एज अ क्रिएटर आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरत है, आई मीन ज़रूरी है। So do I think it's important to be consistent on YouTube? I absolutely do. I think that it is very much so a key to success and a means to keep your audience engaged. कंसिस्टेंसी और क्वांटिटी पे फोकस करेगा, क्वालिटी सिर्फ क्वांटिटी से आती है, ऐसा तूने कहीं पढ़ा था। और वो चीज़ मैं अभी एक महीने से लैग कर रहा था, कुछ चीज़ों के साथ डील कर रहा था। एक्चुअली देखा जाए तो अपने आप से डील कर रहा था, अपने दिमाग से डील कर रहा था। थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट होता था, आई मीन हूँ अभी भी, बट स्टिल अभी थोड़ा बेटर हूँ। अभी थोड़ा स्ट्रेंथ आ गया उन चीज़ों के साथ डील कैसे करें। तो हाँ, बेसिकली यही हो रहा था कि मैं अपने आप से ही डील कर रहा था, अपने आप की प्रॉब्लम्स तो नहीं बट अपने आप के सिचुएशन के साथ जूझने के लिए ट्राई कर रहा था। हाँ, एनीवेज, तो हुआ ये है कि मैंने कुछ दिन पहले स्पीकर मेरा ख़राब हो गया था, मतलब होम थिएटर, और मैंने वो होम थिएटर बनाने के लिए दिया था एक किसी दुकानदार को, और वो बात के हो गए अभी कुछ 3 हफ्ते। वो भैया ने मुझे कॉल करेंगे बोला था, बट अभी तक तो कॉल नहीं किया उन्होंने। मैं 2 हफ्ते पहले उनके पास गया था, वो उन्होंने बोला था कि मंडे आपका रेडी हो जाएगा, मंडे मतलब पिछले हफ्ते का मंडे, बट तब से लेकर अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया। तो पहले तो हम उनके पास जाएंगे, पूछेंगे कि भाई कहाँ है स्पीकर, भाई क्या करवाओगे स्पीकर, मानोगे कैसे तुम। तो वो स्पीकर देखते कैसा है, क्या सीन है स्पीकर के साथ, फिर हम वापस आएंगे, फिर उसके बाद और भी बातें करेंगे। चलिए, बहुत टाइम के बाद शर्ट पहनने को मिल रहा भाई। नॉट माई गिटार। ये हमारे भाईजान का बाइक है, हम सोचा हम चला के ले जाएंगे, बट बाइक है उनको ड्रॉप करना है। वॉट इज दिस मैन? सो वी आर वेटिंग फॉर हिम। यू कट दिस क्यूट लिटिल फेलर। इज ऑन वेकेशन। ये हमारे भाईजान देखो स्लो मोशन में आते हुए। ट्रैफिक खत्म नहीं हो रही भाई, ट्रैफिक खत्म नहीं हो रही। हाँ, फाइनली पहुंच गए हम लोग, एंड दिस इज द मार्केट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज अ ह्यूज मार्केट, इट्स अ टिबेटियन मार्केट। करवाओगे नहीं? आई नहीं अभी। हैं? आई नहीं। आप तो कह रहे थे मंडे आ गया सामान। आएगा बोला था, आई नहीं थे, ऐसी नहीं बाटी में कलकत्ता में दिया। कितना टाइम लगेगा फिर? जब भी आएगा मैं आपने से कॉल कर दूंगा, कोटेशन मतलब। अभी तक भी नहीं हुआ कंप्लीट यार, पता नहीं कब तक होगा, लेट्स सी। वीडियो ली रहे बेटा। हाँ जी, तो फाइनली घर पहुंच गया मैं, और स्पीकर का तो भाई आपने सुन ही लिया है, बना ही नहीं अपने तक अभी तक स्पीकर। 3 हफ्ते से ऊपर हो गया और भैया ने अभी तक स्पीकर ही नहीं बनाया, पता नहीं क्या सीन है उनका भी। और आज ना बहुत टायर्ड से फील हो रहा है, तो अभी 1-1.5 घंटे के लिए पावर नैप लूँगा,
उसके बाद उठ के फिर बात करेंगे। हाँ जी, तो आज हम नीचे बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जब नीचे बैठ के बात करते हो तो ग्राउंडेड फील होता है अपने आप को। ओके, अभी थोड़ी देर पहले उठाओ क्योंकि काम के लिए उठना पड़ा। हाँ, क्या कह रहा था मैं, तो दिन भर के हसल पसल के बाद, दिन भर के भाग दौड़ के बाद एक पावर नैप बहुत ज़रूरी था। हाँ, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते लाइफ में, बस हो जाता है एंड यू डोंट हैव अ चॉइस। बट कभी कभार आपके पास चॉइसेस होते हैं और उन चॉइसेस से ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। आई थिंक आई एम होपिंग दैट आई एम मेकिंग सेंस, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी नैया किस तरफ जा रही है। अभी भी समझ नहीं आ रहा, बट आई एम ट्राइंग टू नॉट गिव अप, स्पेशली ऑन माई ड्रीम, स्पेशली ऑन यू नो मेकिंग वीडियोज फॉर एवरी वन, आई मीन फॉर यू ऑल। एंड ये व्लॉगिंग, ये सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ मुझे लगता है कि मेरा पैशन है, एक अच्छा लगता बनाने में, बहुत पहले से अच्छा लगता था। बट बिकॉज ऑफ व्लॉगिंग आई हैव स्टार्टेड नोइंग लॉट ऑफ थिंग्स, और ये जो ड्रीम है मेरा, मैं इसको थोड़ा प्रिजर्व करके रखना चाहता हूँ, इसको थोड़ा प्यार दे के थोड़ा सहला के रखना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे आप लोगों से बात करना, अच्छा लगता है ऐसे कैमरा के आगे आना। बट कुछ दिनों से जो दिमाग बैलेंस में नहीं था, तो थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा। बट हाँ, विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना हो सके वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं, और हम ऐसी गुफ्तगू, मतलब ये कॉन्वर्सेशन ना हो फ्यूचर में, पॉजिटिव वाले कॉन्वर्सेशन हो, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्वर्सेशन हो, मोटिवेशनल कॉन्वर्सेशन हो, और मैं आपको अपने नज़रिए से दुनिया को दिखा सकूं, तो यही टाइप के कॉन्वर्सेशन होंगे। लेट्स होप कि ये जो कॉन्वर्सेशन है लास्ट कॉन्वर्सेशन हो। एनीवेज, सी यू गाइस, चीयर।